क्या ब्लू ब्लू कलर का पहने हुए हैं, देखिए एकदम गोरे गोरे चमड़ी में, थोड़ा सा यहाँ ऐसे हटो ना तब भी आप देखो, अब देखो देखिए इसमें गोल्ड जो है ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए इसे मैं अपने हाथों से प्यारे प्यारे मेरी जीवन साथी को पहनाता हूँ। उधर देखो ना जी, इधर देखो, इधर आगे आओ, हमको पीछे से लगाने दो, पीछे से इसमें डालना पड़ेगा तब जाके होगा। इसका पसीना से जो है हमारा नाक बंद हो गया है। तो जब नाक पहले माला सासी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरा जो है गला खाली है और मुझे टाइम नहीं मिलने के कारण, और मैं गुथती भी नहीं, मुझे बहुत ये लगता है, आलस लगता है गुथने में। तो आप जो है हस्बैंड जी खुद ही लग गए हैं, देखिए बताइए जी कैसा लग रहा है आपको। और गर्मी तो इतना है दोस्तों, और गर्मी में पूरे बैठ चुके हैं, पूरे पैर पसार के मंगलसूत्र गुथने के लिए। और देखिए इस तरह से गुथ दे रहे हैं मंगलसूत्र, मंगलसूत्र सूत्र, मंगलसूत्र, मंगलसूत्र के सूत्र, तुम्हें बोलते मंगलसूत्र। चलिए हम बाकी का काम करते हैं दोस्तों, जब तक हस्बैंड जी मंगलसूत्र बनाते हैं, जब तक ये बाकी का काम करके आती है तब तक हम इधर का काम निपटा के लेते हैं। जो तुम बाकी का काम करते हो आप ऐसा क्यों बोलते हो? अच्छा से करना, जाओ जाओ ना, अच्छा से करना। अरे टेढ़ा हुआ, जाओ ना, उठो ना जी। हां उसमें से गिरेगा ये मम्मी तो। दोस्तों हस्बैंड जी जो है वहां पे मंगलसूत्र गूंथ रहे हैं, और मैं यहां पे मेरा जो है बाकी का सिलाई वगैरह हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मम्मी जी जितना भी जलावन थे यहाँ पे मैंने सुखा के रखी थी, तो बादल क्या बोलते आसमान में छा गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। तो मम्मी ने सोचे कि ये बारिश हो जाएगी तो गीला हो जाएगा, इसी वजह से ये सारा को टोन के इस तरह से रख दिए हैं। और जब तक मैं हाथ कब कौन सा भी चीज़ में नहीं लगाऊंगी दोस्तों तो वो काम नहीं होता है। तो मेरा जो है वहाँ पे सिलाई का भी काम था, और अब जो है ये सब को मैं रखने वाली हूँ घर में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम रखने वाले हैं, ये है हमारा जलावन का घर, और इसमें जो भी सामान नहीं लगता है, बोरा डगरा जो भी होता है वो हम लोग यहीं पे रखते थे। यहाँ पे देख रही हूँ कि बारिश के टाइम है, और बारिश में जब खाना बनाना रहता है और फिर इसको घर में हम नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे ही। यहाँ पे हमने जलावन को रख दिए हैं, यहाँ का जितना भी अभी कचरा हो रखा है सभी को मुझे करना है सफाई। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जितना भी जलावन सब था सबको उठा करके जलावन घर में रख दी, और वहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद अभी आ चुकी है माला। हमारा जो छत है वहाँ पे कपड़ा जो भी सुबह में धोया था तो उस कपड़ा को उठाने के लिए, और सारा कपड़ा सूख चुका है क्योंकि आजकल धूप ही इतनी होती है
कि 2 से 3 घंटा में कपड़ा पूरे तरीके से सूख जाता है, चाहे कितना भी मोटा कपड़ा क्यों ना हो। तो यहाँ पे सारा कपड़ा को अच्छे तरीके से फोल्डिंग करके रख रही है। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे घर के ऊपर का जो रूम है वो रूम है, यहाँ पे गर्मी के समय में अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पे सोते हैं क्योंकि चारों तरफ से हवा बहुत अच्छा आती है, तो यहाँ पे सोने में भी बहुत ही अच्छा नींद आता है। और सारा कपड़ा को फोल्डिंग करके अब आ रही है सीढ़ी से नीचे। यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हैं सीढ़ी से नीचे जैसे ही आई है तो मैं यहाँ पे बैठ के मंगलसूत्र जो है उसको ही अभी तक बना रहा हूँ, क्योंकि महीन काम है तो इसमें छोटा छोटा जो है ना उसका मोती है तो मोती पिरोने में काफ़ी उसमें वक्त लगता है। तो जब तक देखिए माला उतना का उधर का इतना काम करी कर रही थी तब तक मैं अभी तक मतलब मंगलसूत्र ही गूंथ रहा हूँ। और यहाँ पे अभी जो अलमारी में कपड़ा यहाँ पे रख चुकी है, बाकी का जो भी कपड़ा है अभी वैसा ही फैला पड़ा हुआ है क्योंकि अभी बच्चे जो हैं हमारे घर आए हुए हैं तो इसलिए उनका कपड़ा सब इधर उधर फैला हुआ है गाइस। तो दोस्तों कपड़ा वगैरह जैसे ही उठा के हुआ वैसे ही ये लड़की आ गई। क्या ये राजा रानी साग तोड़ने के लिए, तो इसको हम साग तोड़वा रहे हैं जैसे कि वो लेके जाएगी खुद। और मेरा वहाँ का सभी काम हो गया, हस्बैंड जी का भी फाइनली होने ही वाला था गुट के, तो चलेंगे आंगन तब पता चलेगा हो गया कि नहीं। गए तो गए, हाँ ले गए। हेलो मम्मी, हेलो तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का जो है, जब तक माला सारा काम करके आए तो हमारा मंगलसूत्र हो गया गूंथ के, लेकिन इसका जो ये वाला गुना सिस्टम है ना तो ये खराब हो गया है, फिर भी अभी चलेबुल है तो ये नया लाएंगे तो फिर से इसे बनाना पड़ेगा। तो अभी गला सुना था आपने पिछले वीडियो में देखा था और तो ये गला इसको बना दिया हूँ, बड़ा दिखता है ना मेरे घिच के अच्छे सब मंगलसूत्र के वजह। देखिए कुछ ऐसा अभी इसको डिजाइन जो है इसका बनाया है हमने, तो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये मंगलसूत्र अच्छा लगे कि नहीं, अच्छा है ना सूत की अच्छा कलर। तो फ्रेंड्स ये जो आप देख पा रहे हैं ना मंगलसूत्र जो अभी हमने इसको गुथा है तो ये अच्छे तरीके से मतलब नहीं बैठा था जो लगाई थी, तो इसका जैसे कि मैं आपको बोला था ये वाला गुना सिस्टम इसका खराब हो गया है, तो इसको थोड़ा टाइट से बैठाना पड़ेगा। और उस टाइम वहाँ पे रोशनी की भी कमी थी तो पहले का जो डिजाइन था उस डिजाइन को हम बदल दिए हैं, कुछ ऐसा डिजाइन इसका बनाए हैं। तो कैसा लग रहा है? सोने सोने ही दिख रहा है ज़्यादा इसमें गोल्ड दिख रहा है, पहले इतना मतलब नहीं दिखता था जबकि मटेरियल इतना ही था बट इतना इसमें गोल्ड नहीं दिखता था, तो अभी देखिए इसमें गोल्ड जो है ज़्यादा दिख रहा है। तो चलिए इसे मैं अपने हाथों से प्यारे प्यारे मेरी जीवन साथी को पहनाता हूँ। उधर देखो ना जी, इधर देखो इधर, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो इधर घूम जाओ, आगे आओ, हमको पीछे से लगाने दो, पीछे से इसमें डालना पड़ेगा तब जाके होगा। इधर दिखाओ तो यहाँ पे जो इसका गुना सिस्टम है ना गाइस ये थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम हुआ है, तो अभी चलेगा लेकिन जब भी मार्केट जाऊँगा तो नया वाला लेके आऊँगा। अब देखो तो अब देखिए गाइस इसका जो है हमको तो पहले से बहुत मतलब यूनिक डिजाइन लगा, ये पतला है ना तो इसमें पूरा अभी जो है गोल्ड निखर के आ रहा है। पहले ये जो था इसमें 3 लड़ी थी तो अभी हमने इसमें एक ही लड़ी बना दिया है। तो कैसा लग रहा है आपको डिजाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब तक माला जाती है नहाने के लिए उसके बाद हम नहाएंगे क्योंकि गर्मी, और उसके हस्बैंड जी जो है पूरे बैठ के मंगलसूत्र गोद दी इसका पसीना से जो है हमारा नाक बंद हो गया है तो जब नहा के पहले फाइनली यहाँ पे देख पा रहे हैं मंगलसूत्र मेरा हो जाने के बाद गूंथ के और पहना दिया अपने जीवन साथी को। यहाँ पे आ गई है माला कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो गया है फिर भी कपड़ा ये सब बच्चे लोग निकाल के रखे हैं। पूरा दिन जो है सिलाई का काम करने के बाद अभी शाम को फुर्सत हुई है, तो आपने देखा जलावन सब रखी। अब नहाते समय दोनों जने नहाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी है कि क्या ही बोले, तो अभी कपड़ा धोना है तो कपड़ा धोने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जैसे शाम हो गया है यहाँ पे देखिए लाइट भी हमने जला दिया, वहाँ पे एक बल्ब जला दिया है
और यहाँ पे भी एक बल्ब हमने जला दिया है, ये देखिए बांस के खंभा में लगा करके। अरे मोटर तो बंद कर दो, पानी को वेस्ट क्यों कर रही है। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए बांस के खंभा में एक लाइट जला दिया है। और आपको पीछे के कैमरा से थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ मैं गाइज, पीछे के कैमरा से जब दिखाता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिख रहा है। तो जब तक तुम कपड़ा को निरमा में डालो सर्फ में, तब तक हम बत्तख को रख के आते हैं। हाँ निकालो निकाल निकाल दो, हम बंद कर देंगे। तो ये रहा हमारा बत्तख, बत्तख तो काफ़ी था, 12 बत्तख था, बट अभी 8 ही बत्तख बचा है। हट निकाल, चल चल, हाँ 6 बत्तख बचा है। बाकी बत्तख का जो है हमने उसको बाय कर दिया, मतलब बेच दिया। उसमें नर ज़्यादा था और मादा जो था, मादा बत्तख वो कम थी, इस वजह से हमने बेच दिया। अभी कबूतर का खोप को भी बंद करना है। चलो 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 अंदर, चलो अंदर चलो, खेल रहे हो बेटा। हाँ पंखा चालू कर लो। तो ये रहा हमारा बत्तख का खोप, यहाँ पे देख पा रहे इसके अंदर सारा का सारा चले गया है, अंधेरा में आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे इसको करके हम ये जो है लॉक लगा देते हैं। इसमें हमने कब्जा सिस्टम किया हुआ है कुछ इस तरीके से। अरे ऐसे रह बाबा, ये देखिए इसमें ताला लगा दूंगा ऐसे करके। तो ये हमने यहाँ पे इसे लॉक लगा दिया है, अब इसको सुबह ही निकालेंगे। इसी के साथ ये जो है कबूतर, इसका भी खोप हम बंद कर देते हैं। सारा कबूतर अंदर जाके शाम के समय बैठ गया है। तो आप लोग की तरफ शाम के समय का कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा, और गर्मी कैसी है उसके बारे में भी ज़रूर अपना प्रतिक्रिया देगा गाइस, और रेगुलर हमारे वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे कपड़ा बोरने का सा काम चालू है, जब तक मैं नहा लेता हूँ, ये कपड़ा धोएगी और मैं नहा लेता हूँ, तब तक फिर आगे आप लोगों से मिलता हूँ गाइज। बर्तन भी साफ करना है, बर्तन तो है तो नहीं करना पड़ेगा। कर लो कर लो, अभी आज तो ज़्यादा बर्तन नहीं है रे, थोड़ा सा पाउडर डालो ना, कितना सर्फ डाल रही है। तभी हम डाल दिए थे, बर्तन घस के रख दिए थे। बर्तन घस के रखा हुआ है, खाली उसको साफ करना है। इतना बर्तन जो है अभी का है। अच्छा अच्छा, मतलब बर्तन धो के रख दी थी, इतना खाली बर्तन बचा हुआ है। हाँ। तो ऐसे फरिया के बोलो ना तब ना समझेंगे। फ्रेंड्स फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ और मेरे जीवन साथी भी नहा के आ चुके, देख रहे हैं दोनों जने एकदम आज येलो येलो ड्रेस पहने हुए, ये भी येलो कलर का साड़ी, सॉरी तो क्या ब्लू ब्लू कलर का पहने हुए है, ब्लू कलर में कंफ्यूजन रहता है, ब्लू कलर का साड़ी ये भी पहनी हुई है, ब्लू कलर का गंजी मैं भी पहना हुआ हूँ। और अभी देख पा रहे मैं भी बाल से नहाया हूँ, बाल धोकर के, ये भी बाल धो के नहाए हुए, तो बाल का भी थोड़ा पानी है, इतना रहता ना बाल धो के, सुबह में भी नहाई थी अभी भी नहाना है, पसीना से पूरा बाल जो है ना गीला हो जाता है, एकदम बदबू मारने लगता है, कुछ अजीब ही तरह का बदबू मारता है, इतना दिन भर मतलब पसीना सूखता ही नहीं है ना। और आज अभी देखिए एकदम गोरे गोरे चमड़ी में कैसा चमक रहा है इसका मंगलसूत्र, देखो अभी अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे हटाओ ना, तब भी अब देखो कितना यूनिक लग रहा है ना। यहाँ पे देखिए बिरनी ने जो चिल्ला था ना गाइज, तो अभी तक इसको दाग है, अभी क्या मालूम मिटेगा कि नहीं, मिट जाएगा। और साथ साथ में मैं नहा भी रही थी और साथ साथ में मेरा खाना भी रख दी हूँ पकने के लिए, इधर भात पकने के लिए रखा हुआ है, चलिए आपको बना के खाए, और इसके लिए अभी मुझे ताकत नहीं लग रही थी, इसी की वजह से मैं भात बना रही हूँ। देखिए भात खाने का महत्व कुछ ऐसा है, जिसको भात खाने की आदत हो जाती है उसको रोटी से ताकत नहीं लगता है, तो इसलिए अगर दिन में रोटी खाई तो रात को भात होना जरूरी है ना जी। इसी की वजह से मैं जल्दी भात रखती हूँ। तो बाल में क्लिप लगा लो। सब्जी क्या बनने वाला है? आलू और सोयाबीन का सब्जी। अच्छा चलो, आलू सोया बड़ी जो है मेरा बेटा का फेवरेट है, छोटा वाला बेटा का। नकली बड़ी है। नकली बड़ी। शाम को ना खांसी होने लगा ना? गर्मी भी इतना है ना, सिंदूर लगाने का है, उस रूम में जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, लाइट सब तो बंद कर दी है, जला लेंगे ना, अरे उसमें कीड़ा घुस जाता है इसलिए लाइट बंद कर देता हूँ, समझे, कीड़ा नहीं दिखता है, थोड़ा सा गर्मी हो तो पूरा कीड़ा घुसने लगता है। आंगन का वैसे लाइट जला हुआ है फ्रेंड, लेकिन उधर जो देख पा रहे रूम, उधर का हमने लाइट बंद कर दिया है, तो इसी मारे अभी लाइट जला के ही इस रूम में प्रवेश करना पड़ेगा। दरवाजा बंद कर लो, पंखा भी चला दो। तो अब हम आ चुके हैं जो हमारा बेडरूम है, इस रूम को काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया गया, यहाँ पर देख पा रहे काफ़ी सामान सारा फैला हुआ, रात का वीडियो में आपने देखा था,
और मेरा बेटा जो हॉस्टल से आया हुआ है तो सारा कुछ उसका भी कपड़ा सब यहाँ पे फैला हुआ है। तो अभी जो भी नया कपड़ा है सभी यहीं पे रखे हुए, पुराना यूज वाला भी सभी यहीं पे रखे हुए हैं, क्योंकि जब तक उसको भेजना नहीं है हॉस्टल तब तक हम ऐसे ही पूरा बिखर के रहेगा। वो बंद कर दो अभी अलमारी अपना। तो यहाँ पे है हमारे बीम कार्ड जिसको बोलते हैं सिंगार टेबल, अभी फिलहाल ऐसा ही हम लोग जुगाड़ करके कर रहे हैं। ये लग गया माथे पे मेरे नाम का बिंदिया, सॉरी सिंदूर, यहाँ पे लग गई बिंदिया। तो देखिए सुबह में भी नहा धो के फ्रेश हुई थी और अभी फिर से दोनों जने नहा धो के फ्रेश हुए हैं। तो आज की इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं। खाना में क्या सब बन रहा है आपको बता ही दिए हैं। हाँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं आप लोग का प्यार सपोर्ट रहेगा दोस्तों, तो हम लोग लाइव भी आने वाले हैं, तो प्लीज प्लीज आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। और कंटिन्यू हम लोग माला सिसी पे वीडियो डालने की प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट पूरा दिखाए। और एक दो फ्रेंड्स जो है कमेंट भी किए हैं, तो आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जो नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं तो प्लीज इस तरीके से दबा करके बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जो भी पुराने फ्रेंड्स हैं जो सो गए हैं हमारे चैनल को नहीं देख रहे हैं, तो प्लीज उन लोगों को भी शेयर कीजिए, सब जग जाए और हमारे चैनल पे फिर से आ जाए, शेर को फिर से जगा दीजिए। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। खाना खाया गुड इवनिंग।